louco começa no Heike, botou um cofop de Heike. Os loucos começam no Heike, botou um cofop de Heike. Eu revo o que você está. Eu revo o que você está. Ele diz, lá, meu Deus, é meu amigo. O chão de Raul você está. Para um dia, se não é meu o Lamar, não sei de estar. Uma manica, me cantou. Eu vou bater, cai, aí, lá. Eu vou bater, cai, aí, lá. Dar se ia da MSX. Au arătat toți de grup
میں ویسے ہی کا یوگدان بہت بہت زیادہ ہے کہ اسپورٹ کے آنکڑے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کا یوگدان 49.5% کے آس پاس ہے جو بھارت سرکار کا منتالے ہے اس کے دوارا چلائے جا رہے ہوتے ہیں رجسٹریشن پورٹل کے آنکھوں کے مطابق 2020 میں پورٹل لانچ ہونے کے پشچات جموں کشمیر میں 2 لاکھ سے زیادہ ایم ایس ایم ای یونٹس رجسٹرڈ ہوئی ہیں جموں کشمیر میں 18,000 سے زیادہ ویمن اونڈ انٹرپرائز کو 567 کروڑ روپے سے ادھک راس کریڈٹ گارنٹی اسکیم کے تحت دی گئی سبھی ایم ایس ایم ای پروڈکٹ کا جموں کشمیر یوتھ انڈسٹری میں وسطار ہو جس کے لیے کچھ مہینے پہلے प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया किस इंडस्ट्री से मसले में से नहीं होगा यानी कुल मिलाकर एक ऐसा इंटीग्रेटेड प्रयास किया जा रहा है जिससे में से को आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो और उनके संचालन में परेशानी न हो पूरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के परिसर से बहुत नजर डालेंगे तो आज मैं कह सकता हूँ कि 70,000 करोड़ से ज्यादा के 5,300 करोड़ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं श्रीनगर जब मैं आया था तो 10 घंटे से ज्यादा लगता था 5.5 घंटे आराम से आप पहुंच गया थे और एक साल बाद जम्मू से श्रीनगर अधिकतम 4 घंटे में कोई भी पहुंच जाए तो ये रेल कनेक्टिविटी है की अगर मैं बात करूँ तो बताया जा सकता है सिंगल विंडो रेल या कोई बिजनेस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये बाकी राज्यों से बेहतर स्थिति में है बिजली का भी हमारे वित्तों से स्थिति ने बताया तो कई विकसित राज्यों से आधे दर पर मिली जनरेशन कैपेसिटी हमारी 3450 मेगावाट है जो 6 नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हमारे पाइपलाइन में हमने बन रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि 70 साल में जितनी बिजली बनी थी 2025 के पहले उतनी बिजली और जम्मू कश्मीर में बन रही है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी पिछले 2 वर्षों में काफी महत्वपूर्ण काम उन्होंने किए हैं और एक दिक्कत हमारी रहती है कि जब पानी कम होता है तो उसको पीक आवर डिमांड हमारी मुश्किल होती है तो उसके लिए 500 मेगावाट सोलर पावर निर्माण का काम भी खोला है पावर की दृष्टि से भी जम्मू कश्मीर सेल्फ रिलायंस रहे ये स्थिति हम बनाना चाहते हैं 5 महीने में मैं टूर कर रहा था तो शांतिपूर्वक काफी मेहनत कर रहे हैं ये राज्य मजबूत है अनोखा है देश के बाकी राज्यों की तुलना में विशाल प्राकृतिक संसाधन है अगर मानव संसाधन की बात करूँ तो लगभग 86% के कम उम्र के लोग हैं आज अगर 2019 के बाद एक नई व्यवस्था भी स्थापित Yeah.
मुंबई में है, न कोलकाता में है, न बेंगलोर में, और ये सब से प्रधानमंत्री को जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा बताया। आपको जानकर हैरानी होगी कि औसतन 12 लाख की ट्रांजेक्शन यहाँ रोड हुए और अनेक विकसित राज्यों से ज्यादा। बगल में जिला है सांबा, उसके आंकड़े अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप आश्चर्यचकित हो जाएं। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, बिजली, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत सुविधाएं, बैंकिंग सुविधाएं, इन मामलों में भी बड़ा बदलाव करने की कोशिश की गई है। विकास की प्रक्रिया को समावेशी बनाकर समाज में स्थिरता स्थापित हो। अब प्रोजेक्ट पूरा करने की रफ्तार भी होनी पड़ती है। 2018-19 में 9,229 प्रोजेक्ट पूरे हुए थे और पिछले साल 70,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट इस वर्ष हुए। माननीय अर्थव्यवस्था को कारगर बनाने के लिए विलेज इंडस्ट्री एलिमेंट और सर्विस ग्रुप पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। एक आंकड़ा मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि 2022 के आंकड़े के मुताबिक हमारी आबादी बड़ी छोटी है। PMEGP के अंतर्गत 21,640 यूनिट जम्मू कश्मीर में लगी और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर था और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान। दो वर्षों में अनेक प्रकार के काम किए गए हैं, नई ऊर्जा का संचार उसकी कोशिश हो रही है। हम इस ऊर्जा को ऐसा स्थायी देने के लिए प्रतिबद्ध है जो उद्यमों के लिए मददगार और उद्यमशीलता का विकास। हैदराबाद के बाद जम्मू कश्मीर का उद्यम दूसरा शहर स्वर होगा जहां महिला उद्यमियों के लिए इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई जाएगी। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जम्मू कश्मीर आज मैं कह सकता हूँ कि देश की संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश कर रहा है। जैसा शेयर फल, वॉलट, चेरी, एलमंड, शक्कर के बड़े प्रोड्यूसर होने के बावजूद हम 3% उत्पादन कर रहे हैं। कोल्ड चेन की व्यवस्था हमारे पास नहीं, उन संभावनाओं की हमारी समिति ने किया है। अभी हमने एक हाई पावर कमेटी बनाई एग्रीकल्चर और रिलायंस सेक्टर से 13 लाख परिवार हुए हैं जम्मू कश्मीर में, उसमें 2,62,000 मार्जिन था। इनके जीवन को कैसे बदला जा सके और मैं बहुत आभारी हूँ उस कमेटी का, उस कमेटी के सदस्यों का जिन्होंने कम समय में उन इस इंटरवेंशन प्रपोज और जिसने मेरे सामने इस कमेटी के सदस्यों ने एग्रीकल्चर और रिलायंस सेक्टर में आने वाले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर इससे भारत जो प्रोडक्शन गुरु पढ़ा कंजर्वेटिव अप्रोच लेकर मैं मानता हूँ कई क्षेत्रों में 2.5 गुना से 3 गुना बहुत कई करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया दिया ट्रेनिंग को लेकर के सोनी पेटी जम्मू की बड़ी पेटी है जिसको यह 1.5 गुना है। मैं कारपेट और पश्मीना के बारे में जरूर फिक्र करूँ। एक समय था जब एक्सपोर्ट बीच में कठिनाई आई, जब से जीआई टैग और QR कोड का प्रबंध हुआ है इसे जब हम देख रहे थे तो फिर अपवर्ड ट्रेंड एक्सपोर्ट में जम्मू कश्मीर में शुरू हैंडीक्राफ्ट और जरूर के अपार संभावनाएं। इंडस्ट्री 4.0 के लिए भी अच्छा मानव संसाधन जीवन का भरपूर कोशिश की गई है। जम्मू कश्मीर देश में एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभरता सामने आया, इसकी कोशिश हो रही है। यकीन जम्मू कश्मीर में अभी विकास अधिक समावेशी अत्यधिक ऊर्जा से आते हैं, जानता हूँ वहाँ इन्वेस्टमेंट की वातावरण हो, लेकिन हमारी जो लीगेसी थी उस लीगेसी से निकल करके जहाँ पहुंचे क्योंकि आप खुशी कर रहे 7 दिन नहीं 3 दिन में हमने बात कर रही थी। प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से सहयोग और मार्गदर्शन था वो स्थिति हम यहाँ बना सकेंगे।
भारतीय विकास करते हैं, उनसे विशेष रूप से नजर आता है। जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, ये देश की संसद का प्रश्न है। 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक निर्णय देश की संसद ने माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण किया। अब मुझे लगता है देश के बाकी हिस्सों के नागरिकों का भी यह नैतिक दायित्व है जम्मू कश्मीर को पूरे भारत के साथ एकात्मता के साथ जोड़ने में आसान किया है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम आप करेंगे। रीजनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर को आयोजित करने के लिए लघुद्योग भारती के मित्रों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। दो दिन चलने वाली पदाधिकारियों की बैठक से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। एक बात रखे, मैं दो पंक्तियां करके अपनी बात खत्म करूंगा। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे वो तुमको खौफ दिलाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी हो सकता है, जो है वो भी हो सकता है। सलाह निर्वजन नहीं, इस्लाम रजन है, कुछ और यहाँ हो सकता है। और तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। तुम अपनी कमी करते हो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और अपना जो कीमती समय है वो निकाला है, तो उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा।
और मैं आशा करता हूँ कि जो आने वाला समय है इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा समय बने। तो इसी के साथ मैं आज सबका यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा। नेशनल एंथम के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने खड़े हो जाए नेशनल एंथम।